गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 10 जून है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है उसे हम देखेंगे, ताकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट को उससे लाभ प्राप्त हो। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कंपटीटिव एग्जाम आप फिल करते हो उसमें पीटी फैक्ट क्या पूछा जाता है उसको हम लोग कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण पीटी फैट प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आज दैनिक जागरण न्यूज पेपर एनालिसिस में आप लोगों को चीज़ें प्राप्त होंगी, तो जरूर अंत तक बने रहिएगा। आज के न्यूज एनालिसिस में आप देखेंगे कि किस प्रकार से न्यूज़ आपके एग्जाम ओरिएंट चीज़ों को कवर कर रहा है। तो सबसे पहले न्यूज़ में हम देखेंगे, डिजिटल इंडिया एक्ट से सुरक्षित होगा नया भारत। राजीव चंद्रशेखर जी के द्वारा ये बात बोली गई है, जो महत्वपूर्ण रूप से भारत में डिजिटल इंडिया से संबंधित जो जो आपको शंकाएं हैं उसको दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। देखिए, बहुत सी समस्याएं डिजिटल इंडिया को लेकर चली जाती है। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट पर तो हम लोग बहुत बातें कर चुके हैं पहले से ही, तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिएगा, सारी चीज़ें की नोट्स में दी हुई है। और यह टॉपिक जो है आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 2 एंड 3 प्रौद्योगिकी और सरकारी नीतियों, अर्थात पेपर 2 में सरकारी नीतियों में आएगा और प्रौद्योगिकी पेपर 3 में आएगा। बीपीएससी वाले स्टूडेंट याद रखिएगा, आपके पेपर 2 में आएगा यह टॉपिक। तो यहाँ ध्यान यह रखना है कि यह क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अभी इस पर क्या हो रहा है, अपग्रेडेशन चल रहा है। इस पर आपको कुछ ही दिनों में एक्ट आएगा जिसके बाद हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको जानकारी यह रहनी रहनी चाहिए कि इसके द्वारा कि यह एआई के संदर्भ में क्या शंकाओं को आपको सामने ला रहा है। तो सरकार क्या करे, देश के नागरिकों को सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। आपको याद होगा विगत गत जो गत वर्ष बीता उसमें आपको इंटरनेट मीडिया पर जो आपको डाटा डाटा संरक्षण की जो बात की जाती थी, डाटा प्रोटेक्शन की बात की जाती थी, वो बहुत ही चर्चा में रहा था। इसको लेकर बहुत सी चीज़ें अपग्रेड हुई थी। तो आने वाले कुछ ही महीनों में शायद आपको हमें हमें क्या मिल जाएगा, एक एक्ट मिल जाएगा जो डिजिटल इंडिया कॉन्सेप्ट जो हमारा पूरा अराउंड घूमता है, डिजिटल इंडिया के अराउंड जो भी बातें की जाती हैं सभी पर क्या होगा कि हम एक बेहतर प्रबंधन की तकनीक डेवलप करेंगे जो आने वाले समयों के लिए हमें सेफ, सुरक्षा, डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए जो भी हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं उस जो भी सूचनाएं आदान प्रदान करती है तो उसको सुरक्षित बनाया जा सके। साथ ही साथ आपको याद होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और चैट जीपीटी या फिर साइबर स्पेस में सुरक्षा की बात की जाए तो इसमें बहुत सी शंकाएं लोगों के मन में है। तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है कि जल्द ही एक्ट लाएगी, प्रस्तावित मसौदे के लिए हितधारकों पर चर्चा की जा रही है और आप भी इसमें भाग ले सकते हैं। एक वेबसाइट है गवर्नमेंट का, government.in पर जाइएगा या माई गवर्नमेंट का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, वहाँ पर ये सब चीज़ों में पार्टिसिपेट कीजिए, अपने विचारों को कम से कम रखिए। रीज़न इसके पीछे है कि देखिए, ज़रूरी नहीं कि आपके विचार है ना सरकार तक पहुँच जाए, ज़रूरी नहीं कि आपकी जो विचार है वो सरकार मान ही ले, पर ऐसे आपको प्लेटफॉर्म पर जरूर रहनी चाहिए जहाँ पर नवाचार जैसे चीज़ों को डेवलप किया जाता है, ताकि आपके विचार वहाँ पर, देखिए वहाँ पर बहुत से लोग, लाख 2 लाख लोग अपने विचार सबमिट करेंगे, तो उन विचारों में आपकी रैंकिंग क्या आ रही है, आपको लोग कितने देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। तो होता क्या है कि इससे एक्टिविटी, एक्टिव मोड डेवलप होता है। तो आप लोगों को मैं क्या बोलता हूँ कि हमेशा एक्टिव मोड में रहिए, किताबी दुनिया में मत फंसे रहिए। आप है ना चीज़ों अपने इन्वायरमेंट से सीखने की कोशिश कीजिए, आपको वहाँ से ऐसे 1000 पॉइंट मिल जाएंगे जो इससे संबंधित सरकार को चिंताओं से क्या कर रहा है, रेखांकित कर रहा होगा, कुछ सुझाव दे रहा होगा। तो उसी सभी पॉइंट को जो आपको लगता है एग्जाम ओरिएंट होगा आप वहां से निकाल सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, आपकी दिशा और दशा जब इम्पोर्टेंट होगा ना तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो जरूर आप माई गवर्नमेंट ऐप का यूज़ कीजिएगा और वहां पर बहुत सी ऐसी ही योजना, मान ली कोई मसौदा आता है किसी कानून को लेकर, कृषि बिल में मैंने खुद भेजा था, वहां पर कुछ बातों को लिखा था। ज़रूरी नहीं कि सरकार उसे मानेगी या तो सरकार उसे करेगी। मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरे एक मित्र हैं वशिष्ठ सम्राट, याद है आप लोगों को मैं एक बात बताया था, तो जो महिला सुरक्षा पर बिल बना था उनके विचारों को रखा गया था क्योंकि वो ब्रांड एम्बेसडर भी भारत सरकार के थे चाइल्ड लेबर के, तो उस समय कानून बन रहा था तो उनको बुलाया गया। तो देखिए कहाँ से सरकार की नज़र किस पर, व्यक्ति विशेष पर रहती है अब कोई नहीं जानता है। अब बहुत से रुपये देखे होंगे,
रुपया का जो बनाया गया था, आकृति किसको दिया था, उसी प्लेटफॉर्म से सर्च करके दिया गया था। तो इससे क्या होता है कि आप में एक्टिवनेस आता है और एक्स्ट्रा एक्टिविटी डेवलप होता है, जो किसी भी विषय को बेहतर तरीके से सोचने, समझने और लिखने की क्षमता डेवलप करता है। उसमें किसी चीज़ों की किसी चीज़ को लेकर टेंशन मत लीजिएगा, आप जाके वहाँ पर पार्टिसिपेट कीजिए ताकि हम चीज़ों को समझ सके, समझा सके, ठीक है। अब है कि चंद्रशेखर जी के द्वारा कुछ बातें की कि हम किसी भी ऐसी टेक्नोलॉजी को खुला नहीं छोड़ेंगे जो समाज के लिए नकारात्मक है, तो इस पर बहुत ही लगाम लगाना जरूरी है। डाटा प्रोटेक्शन को लेकर बहुत से डाटा लीक कर दिए जाते हैं। कोई भी सरकारी, मान लीजिए आप मॉल में जाते हैं, अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, रजिस्टर होते हैं, बिना मोबाइल नंबर का वो प्रोसेस नहीं करेगा, और वो डाटा को वो कम बहुत से मॉल कम मॉल मॉल होता है, वो दूसरे दूसरे चीज़ों को भेज देता है, तो आपके पास उसके बाद देखते लगातार मैसेज आता है आपके पास, ये डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट है, जबकि आप एक किसी मॉल में जाकर सामान खरीद रहे होंगे। या मान लीजिए आप कूपन कूपन भेजते हैं, कूपन डालते हैं मॉल में जाके, उस कूपन में बहुत सारा डाटा आप इनपुट करते हैं, उस डाटे को लोग 1 रुपया 2 रुपये के हिसाब से बेच देता है। तो समझिएगा डाटा प्रोटेक्शन कितना ज़रूरी है कि हम इन सूचनाओं को कैसे कवर कर सकें। इसी तरह एक मामला आप सुने होंगे कि इंटरनेट के संदर्भ में, आप लोग टिकट लेते हैं, इसका किसका टिकट लेते हैं, एयरप्लेन एरोप्लेन का अर्थात हवाई जहाज का टिकट लेते हैं आप लोग, उसमें बहुत सी डाटा बार कोड होता है जो आपकी गुप्त सूचनाओं को स्कैन करके कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो हम इसे कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, इस प्रकार की घटना हो जाती है। हाल ही में मेरे साथ जो घटना घटी थी पिछले वर्ष, मैंने आप लोग को बताया था कैसे मुझे ब्लैकमेल के कॉल आए थे, डिजिटली ब्लैकमेल के। तो इस सबसे कैसे बचा जाए, प्रशासन कैसे काम करे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है इस प्रकार के गतिविधियों पर थोड़ा सा चीज़ों को कवर अप करने के लिए। देखिए सरकार ने बताया है कि अभी 85 करोड़, देखिए कुछ डाटा को इन्होंने बताया जो आपकी एग्ज़ाम पीटी फैक्ट के लिए काम देगा। जैसे 85% 85 करोड़ लोग अभी क्या करें, इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, 50 तक लगभग 120 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा, इसके साथ बढ़ते डिजिटल अपराधों के भी वृद्धि होगी। जरूरी नहीं हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट ही समाज पर पड़ेगा, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो पड़ेगा ना, और इस नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है क्योंकि लोगों को ज़्यादा मेहनत हाथ पैर नहीं मारना पड़ता है, और नेगेटिव इम्पैक्ट करके ब्लैकमेलिंग करके, या तो आप देखते हैं फर्जरी कॉल आता है बहुत सी चीज़ों का, तो उसके लिए पैसा वो अर्जित करते। तो इस प्रकार से कैसे हम चीज़ों को कवर करें, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अब ध्यान रखिए 2014 में डिजिटल जीडीपी में डिजिटल इकोनॉमी का योगदान कितना था, 3.5, और आज वर्तमान में कितना है, 10%, और 25-26 तक ये आंकड़ा 20% हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आपको डिजिटली इकोनॉमी की जब बात की जाएगी तो पीटी फैक्ट आपको याद रखना है, ये सब प्रश्न आपको पीटी फैक्ट में पूछा जाता है, तो इन सब चीज़ों को राइट डाउन करते चलना। चलिए नीचे हम बात करेंगे। देखिए चैट जीपीटी जी के जो आविष्कारक हैं, विकसित किया है, जिन्होंने ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन दुनिया में घूमकर एआई को नियंत्रित करने के लिए वैश्विक नियम बनाने की अपील कर रहे हैं। देखिए जो निर्माण किया है वही चिंतित हो गया है कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आप देख रहे होंगे हाल ही में इसका मैंने लास्ट ईयर में लास्ट क्लास में एग्जाम्पल भी दिया था। अभी यूट्यूब पर एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो चल रहा है जिसमें किसी आकृति को बना के किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात किया जा रहा है, धर्म के बारे में बात किया जा रहा है, और भी बहुत से मुद्दे पर बात किया जा रहा है। पहले क्या होता था कि नॉर्मल रूप से कोई व्यक्ति विशेष उसे बोलता था यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो पर, अब एआई के माध्यम से, चैट जीपीटी के माध्यम से क्या किया जा रहा है, किसी की आकृति डाल डाल दे, वो इंडिविजुअल आकृति हो सकती है, किसी व्यक्ति विशेष की भी बनाई जा सकती है, या किसी जिसे हम पहचान नहीं सकते हैं, या जिसको हम लोग सपनों में देखते हैं, खास मतलब विजुअली हम लोग करते हैं, उसकी भी आकृति हम बना सकते हैं। उस संदर्भ में वो व्यक्ति आपकी बातों को चैट जीपीटी के माध्यम से बोलता है। तो अब हम इसको कैसे नियंत्रित करेंगे, अब मान लीजिए पहले आकृति होता था, मान लीजिए मेरा आकृति, तो भाई हमें आप किसी प्रकार के समाज के युक्ति प्रतिबंध को रोक करते हैं, जो युक्ति प्रतिबंध करने वाले जो साधन कारक का उल्लंघन करते हैं, तो हम पर केस किया जाता था, हमें पकड़ा जाता था पुलिस के द्वारा ना, अब कैसे पकड़ा जाएगा, साक्ष्य के तौर पर हम जीपीएस के थ्रू, और बहुत से हैकर ऐसे होते हैं जीपीएस और जो लिंकेज को ब्रोकेज कर देते, तो फिर इन सभी समस्याओं को सुलझने के लिए सरकार और ये जो चैट जीपीटी के जो आपको सीईओ हैं सैम अल्टमैन बहुत ही चिंतित है, इसको लेकर विश्व में एक नियम कानून जो समान तौर पर बनाए जा सकते हैं, तो इसके लिए कार्य करने के लिए लोग लोग आगे आ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा सरकार जल्द ही इस पर बेहतर कानून लाएगी। अब है कि नेक्स्ट टॉपिक है, एनपीपीए ने तय की 23 दवाओं की खुदरा कीमतें। हाल ही में
आपको लगता है 1 मंथ हुआ होगा, इससे पहले भी बहुत सी दवाओं का खुदरा मूल्य तय किया गया था। उस दिन मैंने ये टॉपिक कवर किया था, आज भी कवर किया हूँ, क्योंकि ये आप आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो जो आम मुद्दों से जुड़े होते हैं वही यूपीएससी प्रश्न पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, यूपीएससी जीएस पेपर 2 में आएगा, स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित मुद्दों में यह टॉपिक कवर होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या बातें की गई है। देखिए, राष्ट्रीय औषधि मूल्य नियामक जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, एनपीपीए, ने शुक्रवार को कहा कि 23 दवाओं की खुदरा कीमतें तय की गई है। यह संस्था क्या, अभी मैं जस्ट चर्चा करूंगा। यह बोला गया कि 26 मई 2023 से 23 को हुई एक सौ जो आपको हाँ देखिए 26 मई को आपको एक हुआ था, उससे पहले बोला था, लास्ट मंथ मैंने इस पर कवर किया। देखिए 26 मई की बात की जा रही है, जिसमें 113वीं बैठक हुई थी, जिसके आधार पर औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के तहत क्या किया गया है, आपको डायबिटीज दवाओं के लिए जो दवाएं हैं, मेटफॉर्मिन, हाइड्रोक्लोराइड की एक गोली को 10 पे 3 पैसे निश्चित किया गया है। इसी तरह ग्लिकाइजाइड को किया गया कम दाम किया गया, और भी बहुत से दवाइयों का नाम दिया गया, उसे आप लोग एक बार लिख लीजिएगा। यूपीएससी क्या करती है बदमाशियाँ, कि इस लिस्ट डायबिटीज का नाम दवा तक दे देती है, एंटीबायोटिक का दवा तक का नाम पूछी हुई, बीपीएससी ने पूछा है। तो क्या करना है, सब दवाओं का नाम लिखना है, किस में उपयोग होता है। अब दर्द निवारक दवा हुआ, दवा जो जैसे ट्रिप्सिन हुआ, ब्रोमिलेन हुआ, रूटासाइड हुआ, तो ये सब दवाओं का थोड़ा सा नाम लिखना किसके लिए। तो बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, क्या करेगी, दर्द निवारक दवाओं का निम्न में से कौन सा शामिल है, इनमें से कोई एक दे देगा, इनमें से कोई एक रहेगा, या तो एक नहीं चार दे देगा, उसमें से कोई दूसरा दवा का नाम दे देगा। तो कम से कम वो सब सूचियाँ आप लोग जरूर अपने स्तर पर भी बना लीजिएगा। और इसकी कीमत कितनी तय कर दी गई है, 20.51 रुपया, 20 रुपया 51 पैसा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसके तहत 15 शेड्यूल दवाओं को अधिकतम कीमतों के की संशोधन किया गया है, और दवा नियंत्रण जो औषधि मूल्य आदेश के प्रावधानों को लागू किया गया। कल मीटिंग हुआ था, वहाँ कुछ क्यूरी आई थी, उसको पहला ये क्यूरी समझिएगा। आप लोग ये बार बार प्रश्न कर रहे हैं कि इसका नोट्स हम कैसे बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। जिसको मैं एक सेकेंड जिसको मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए मान लीजिए इस पर एक्सप्लेन किया, ठीक ना, तो इसके स्टेटिक्स पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्टेटिक्स पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो स्टेटिक्स पार्ट को तो आपको अवेलेबल हो ही जाएगा ना, ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। अब इसका कुछ करेंट पार्ट है, जैसे कुछ दवाओं का नाम लिखना है, तो उसका की नोट्स आप लिखते चलिएगा। और इसका की नोट्स बनाना है, जो बातें हैं लिखी गई उसमें से क्रक्स आपको निकालना है। तो मान लीजिए पहले आप क्रक्स करेंट को यहाँ पर लिख लेंगे, करेंट में जो जो बातें हैं आप 10 लाइन में 15 लाइन में जो लिखना है लिख लीजिएगा, और स्टेटिक्स पार्ट जो मेरे द्वारा एक्सप्लेनेशन किया गया उसे भी पॉइंट आउट कर लीजिएगा, और बाकी जो पीडीएफ आपको ऐप पर उसे समय समय पर देखते रहिएगा, ठीक है। और ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो वीडियो बना हुआ यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ दैनिक जागरण या तो सर्च भी कर सकते हैं आप, दैनिक जागरण की नोट्स युक्ति IAS, ठीक ना, तो आपको वीडियो मिल जाएगा की नोट्स कैसे बनाते हैं, आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, इससे सारे मैटर सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस दवा प्राधिकरण के बारे में क्या है। जैसे राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, जिसे NPPA कहते हैं, नेशनल फार्मास्यूटिकल जो प्राइसिंग अथॉरिटी है, उसे आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची, ध्यान रखिएगा जो भी आवश्यक दवा है, इम्पोर्टेंट दवा है, राष्ट्रीय सूची के तहत सूचीबद्ध दवाओं और उपकरणों की कीमतों निश्चित करता है, नियंत्रित करता है। तो क्या करता है ये काम, इसका काम है कि जो आवश्यक दवाई है उसको सूचीबद्ध करना, और राष्ट्रीय स्तर पर उसके लिए क्या करना, कीमतें और निश्चित करना और नियंत्रित भी करना है, ध्यान रखिएगा। अब है कि अथॉरिटी है क्या, इसे याद रखिए, इसका गठन 1997 में किया गया था, 97 में किया गया था। मंत्रालय है रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन यह काम करता है, तो आप लोग मिसमैच मत हो जाइएगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ठीक ना, के तहत औषधि विभाग है उसके तहत काम करेगा। एक संलग्न कार्यालय है, क्या है, संलग्न कार्यालय अर्थात सिस्टर सिस्टम मंत्रालय है, तौर पर दवाओं का मूल्य निर्धारण और स्वतंत्र नियामक के रूप में कार्य करता है, क्लियर। नेक्स्ट याद रखिएगा, इसे ड्रग मूल्य नियंत्रण आदेश 1995 याद रखिएगा, और 2013 दो है DPCO, जिसे एक्ट बोला जाता है, 1995 और 2013 के तहत नियंत्रित थोक दवाओं फॉर्मुलेशन की कीमतों, अर्थात जिस प्रकार से फॉर्मुलेशन बना, कोई दवा है मान लीजिए ये दवा है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट मिलाए गए हैं, उनके कीमतों को तय करना है, संशोधित करना है, और क्या करना, उपलब्ध दवाओं देश में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बनाएगा, अर्थात
हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कितनी मात्रा किस राज्य को मिलनी चाहिए, इसकी भी आपको नियंत्रण यह करता है। नोट याद रखिएगा, इसके अतिरिक्त एक बल्क ड्रग जिसे हम लोग API कहते हैं, अर्थात एक्टिव फार्माकोलॉजिकल जो इंग्रेडिएंट है API, और यह ध्यान रखिएगा हम चीन से बहुत निर्यात करते थे, कच्चे माल इसको हम कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा इसको कच्चा माल कह सकते हैं हम, किसके संदर्भ में, ड्रग के मामले में, दवा बनाने के मामले में। API कहा जाता है जो एक दवा के रूप में रासायनिक, क्या होता है, रासायनिक अणु जो उत्पाद को चिकित्सा प्रभाव में प्रदान करते हैं। तो जब भी चर्चा होगी तो आपको इस API के बारे में पूछी जाएगी, ड्रग के जब भी चर्चा होगी तो API के बारे में पूछा, API क्या होता, तो ये बताइएगा, कच्चा माल होता है क्या, ड्रग का, जिससे ना बहुत से हम लोग उत्पाद बनाते हैं, दवाओं का उत्पाद बनाते हैं, अन्य प्रकार के उत्पाद बनाते हैं, और ये चीन से हमें सबसे ज़्यादा आयात कर किया जाता है। हालांकि कुछ जो PIL योजना दिया गया उसमें जो दवाओं फार्माकोलॉजिकल्स की बात की गई वहाँ पर इसके उत्थान की भी बात की गई है। तो फिलहाल अभी हम चीन से सबसे ज़्यादा आयात करते हैं, तो हम लोग निर्यात पर भी इस पर बात कर रहे हैं कि जल्दी हम लोग विकसित करेंगे इस फील्ड में, तो हम चीन की निर्भरता को कम कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण जो प्राधिकरण को प्राप्त शक्तियाँ क्या है, तो यह क्या करेगा, जो भी निर्णय लेगा, निर्णयों के उत्पन्न सभी कानूनी मामलों के निपटने के लिए उपाय करता है, जो भी पक्ष होगा, विपक्ष का मामला उठेगा तो उसका क्या करेगा, निपटारा करेगा। अब दवाओं की उपलब्धता को निगरानी करेगा, कमी की पहचान करेगा, उपचारात्मक कदम उठाएगा, यह आपको इस स्तर, तीनों के स्तर पर काम करने का प्रयास करेगा। अब क्या करेगा कि जो औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश है उसके प्रावधानों के तहत प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार लागू और क्रियान्वित करेगा। इस एक्ट के तहत, आदेश के तहत जो आपको शक्ति दी गई है उस आदेशों के अनुसार उस अपने शक्तियों का प्रयोग करता है, लागू करता है, बस इतना ही जानिएगा। बहुत शक्तियाँ दी गई है जो ऊपर चर्चा की गई है। अब थोक दवाओं और फॉर्मुलेशन जो है, उत्पाद निर्यात आयात और उसका अलग अलग कंपनियों को बाजार हिस्सेदारी, कंपनियों को लाभप्रदता, डेटा एकत्रण करना या बनाए रखना, दवाओं को फार्मास्यूटिकल मूल्यों के लिए क्या करता है, प्रासंगिक अध्ययन करता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि निर्माण से लेकर अंत तक यह कार्य करता है, निर्माण जिससे करता है और पहुंच जहां तक स्थापित नहीं हो जाता, एक एक उपभोक्ता तक यह नहीं पहुंच जाता तब तक यह काम करते रहता है, उसके लिए निगरानी करेगा, उसके लिए संरक्षण करेगा, उसके लिए नियम जो भी कानूनी बाध्यता होगा उसको पूर्ति करेगा, सभी काम यह करता है। क्लियर हो गया, बस सिंपल और साधारण अर्थों में चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा, बाकी चीज़ें बताई गई है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, नीचे आ जाइए नीचे फटाफट, और आप लोगों का मेन सेंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो जा रहा है, आपको दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का जो आंसर राइटिंग आपको मंडे को होता है, और उसके बाद आपको जो BPSC आंसर राइटिंग है वो आपको 2 दिन, आपको ट्यूसडे और सैटरडे को शायद मे भी है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, डाटा दे दिया गया है, शेड्यूल दे दिया गया है, और जल्द ही सारे का शेड्यूल दे दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, अब लिखना बहुत मेहनत करना है अब, और उसके साथ स्मार्ट वर्क करना, जो आप जो चीज़ें आपका कमज़ोर है उसको मजबूत कीजिए, जो मजबूत है उसको बनाए रखिए। ठीक है, तो पार्टिसिपेट कीजिए, जल्द से जल्द सभी लोग एडमिशन ले लीजिएगा ताकि चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िए। कॉपी आपका जो भी होगा आपको ऐप पर सेंड करना होगा, ऐप पर ग्रुप जो बना हुआ उस पर सेंड करना होगा। ठीक है ना, अब है चीज़ें, बहुत चीज़ें हो गई थी, जैसे टेलीग्राम पर पहले ओपन कर दिया जाता, लोग है ना अपने मर्जी से कभी भेजते थे, टाइम में कुछ लोग भेजते थे, बाकी ओपन होता था तो लोग 4 बजे 5 बजे या पर्सनल मुझे भेज दिया करते थे। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का टेलीग्राम चैनल खोल कर मैं देख पाऊँ, या मेरे किसी व्यक्ति विशेष के लिए आप भी मेरे जगह हो पाएंगे तो नहीं कर पाए, इसलिए टाइम की बढ़ता जरूरी है, एक सिस्टम बहुत ज़रूरी है आपको ये करने के लिए, ताकि आप में एक्टिवनेस रहे और आपको जवाबदेही पता रहे मुझे करना क्या है, सिलेक्शन तो आपको लेनी है, तो क्या करना है, टाइम जो दिया गया उस टाइम पर आपको क्या करना है, ऐप पर, UTI इसके ऐप पर जाके PDF शेयर करना है, और मैं अपना टाइम से सारी चीज़ों को अपडेट कर दूंगा ताकि चीज़ें सिस्टम से चले। ठीक है, और प्रत्येक दिन 2 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन, फिर 4 क्वेश्चन, ऐसे ही बढ़ा के आप लोगों को चीज़ों को कवर कराया जाएगा, और जब हम लोग लास्ट राउंड में आएंगे तो फुल टेस्ट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। अब देखिए एक और भी
मैंने कुछ बातें कुछ महीने पहले बोला था, आप लोग देखिएगा जो बातें मैं बोला हूँ क्या वो फिर से सही हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक ना? अभी वेट कीजिएगा तो निर्धारण स्वयं कीजिएगा आपको क्या करना है, ठीक है ना? यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 सरकारी नीतियाँ स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से आएगा, जो क्या किया देश भर में 4 लाख लोगों को जान से बचाएगा जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन की उपलब्धता, जिस दिन मैं पिछले कुछ दिन पहले ही चर्चा किया था जल जीवन के बारे में, तो जल जीवन मिशन के संदर्भ में कुछ बातें हुई थी उससे भी पहले। एक बार याद होगा मैं जब आईआर का पार्ट कवर कर रहा था, अब भारत की भूमिका की बात करें तो कुछ बातें मैंने कुछ बताई थी, चीन के मुद्दे पर भी उसकी बात बताई थी। तो पहले हम देख लेते हैं जल जीवन मिशन में क्या बातें हो रही, उसके बाद उन सब चीज़ों को चर्चा करें, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, जल जीवन मिशन के महत्व को एक बार फिर से रेखांकित किया गया है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO ने इस मिशन को न केवल दुनिया के लिए मिसाल बताया है, बल्कि अपने अध्ययन के जरिए अनुमान व्यक्त किया है कि अगर हर ग्रामीण घर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का ढांचा बना दिया जाए, तो डायरिया के कारण जो होने वाली लोग मौतें हैं उसे 4 लाख कम की जा सकती है। यह पहला अवसर नहीं है जब जल जीवन मिशन को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान या सराहना मिले। इससे पहले पूर्व नोबेल पुरस्कार विजेता माइकल क्रेमर के द्वारा फाउंडेशन गांवों के जो शिशु मृत्यु दर के अंकुश लगाने के लिए जल जीवन मिशन के योगदान का रिपोर्ट दिया गया, और उन्होंने इस मिशन का बहुत ही बढ़ चढ़कर प्रशंसा की थी। रीजन उसके पीछे था कि यह ग्राउंड लेवल पर जाकर चीजें सुधार रहा है ना, हम स्वच्छ जल पहुंचाएंगे तो लोग इसका लाभ अधिक ले पाएंगे। तो अध्ययन पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के कहने पर यह अध्ययन किया गया, ये जो अध्ययन था पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय पर कहा गया, रिक्वेस्ट किया गया था WHO को कि आप इस पर रिसर्च दीजिए ताकि विश्व इसे समझ सके। तो स्वास्थ्य एवं समाज के लिए जीएम पर असर समझा जा सके, अगर सभी लोगों तक स्वच्छ जल पहुँचाया जाता तो 101 अरब डॉलर की बचत होगी, क्योंकि यह डायरिया जैसी बीमारियों को कम करता है। अब केवल डायरिया ही बीमारी की कम नहीं करता, देखिए इससे संबंधित बहुत सी बीमारियां हैं ना, हम तो एक को टारगेट किए जो सबसे अधिक प्रभावित है। इसके तहत रहन सहन में भी बदलाव होता है, देखिए रहन सहन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, आप स्वच्छ वातावरण में रहने का एक एक कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लेते हैं। मान लीजिए स्वच्छ जैव जैव पेयजल आपके पास पहुंचा हुआ है, तो आप उसके साथ अन्य भी अम्ब्रेला योजना की तरह से चीज़ों को समझ सकते हैं। जब आपके आसपास से बेहतर प्रबंधन होता है ना, तो सारे सिस्टम पर आपको सही तरीके से चलते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि अब तक 62% ग्रामीण घरों में क्या है, नल का जल आपूर्ति की व्यवस्था की जा चुकी है। तो ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, नल के जल आपूर्ति करने में किस राज्य कौन सा राज्य शीर्ष पर है अर्थात टॉप लेवल पर है, एक बताइएगा। दूसरा बताना है कि बिहार बिहार किस रैंक पर है बीपीएससी वालों के लिए, और अपने अपने स्टेट वाला भी आप लोग इसको कैरी फॉरवर्ड कर लीजिएगा। जैसे यूपी के जो लोग होंगे यूपी देख लीजिएगा, झारखंड है जो झारखंड देख लीजिएगा, पहले भी मैंने इस पर चर्चा किया रैंक वाइज। अब ध्यान रखिएगा कि यह क्या करेगा, 1.4 करोड़ दिव्यांगता को सुनिश्चित जीवन वर्षों में बचाया जा सकता है। देखिए डायबिटीज के साथ दिव्यांगता भी जो होता है उसको भी रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है उसके प्रतिशत को, ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें इसके साथ अटैच है। उसके बाद देखिए, इसके बाद एक और भी बातें की गई है, हर घर नल योजना जलापूर्ति महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। केवल तो डायरिया एक प्रत्यक्ष रूप से होगा ना, उसके अतिरिक्त सब पार्ट में देखिए, क्योंकि इससे उन्हें पानी की व्यवस्था में जो समय खपाना पड़ता है वो कहीं बेहतर होगा। देखते हैं बहुत से विदर्भ का क्षेत्र है या तो राजस्थान का क्षेत्र, किलोमीटर किलो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर लोग चलते हैं तो जल की आपूर्ति उनके पास हो पाती है, जल वो लेकर आते हैं फिर तो जल पी पाते हैं, पानी शुद्ध पानी पी पाते हैं। अगर घर हर घर नल का योजना अगर लागू हो जाता सभी राज्यों में सभी गांवों में, तो कितनी बड़ी उपलब्धि होगी आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आप शहरों में बैठ कर ना इसका आकलन नहीं कर सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पर इसकी क्या उपलब्धता है। याद करिए, वहां पर जाइए, उनसे पूछिए जो अपने लेडीज अपने माथे पर मटके रख के 5 से 10 किलोमीटर रोजाना चलती जाए, और रास्ते में अगर मटका टूट जाए तो फिर वो जाएगी फिर लाएगी, सोच के देखिएगा कितनी बड़ी समस्या है। आपको घर में पानी मिल रहा है टाउन में, तो इन सभी समस्या, आप जाइएगा सिलेक्शन होकर ग्राउंड लेवल पर, आपको ऐसे हजारों
केस स्टडी मिल जाएगा। मैंने आप लोग को कभी याद है, आप लोग को एक केस स्टडी बताया था जो अपने अपने आंखों के सामने देखा था कि विधवा पेंशन योजना जो दी जाती है, 300 रुपया दी जाती थी पहले, तो बढ़ा पहले 300 ने पहले कम था, 300 रुपया अभी फिलहाल बढ़ाया गया और आगे बढ़ गया होगा, वो मुझे डाटा याद पता नहीं है, ठीक है, मैं देखा नहीं हूँ। तो उस 300 को प्राप्त करने के लिए मैं जिस ब्लॉक में पहले वर्क करता था, आप लोगों को पता है मैं WHO में वर्क करता था, उसके WHO के डिस्ट्रिक्ट लेवल में वर्क करता था कोऑर्डिनेटर का। तो वहाँ पर मैं ब्लॉक में, किसी के ब्लॉक में था, तो वहाँ पर मैंने देखा था कि उस ब्लॉक की जो चौहद्दी थी ऐसे थी, ठीक ना, और चौहद्दी, एक सेकेंड, इस ब्लॉक की चौहद्दी ऐसे थी, ठीक ना, और इसका जो मुख्यालय था, ब्लॉक था यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है लगभग 26 किलोमीटर के आसपास थी, ठीक ना, और इधर तो कम हो गया, इधर भी कम हो गया, इधर पर इस दूरी में एक कोई गांव था जिसका नाम था आपको कोंदियारी, नाम था इस गांव का नाम, जो झारखंड में था। तो 26 किलोमीटर से एक महिला पैदल आई इसलिए थी कि उसको पेंशन, विधवा पेंशन मिल जाए, और वो एक दो दफा नहीं आई, 2 से 3 दफा आई थी, सोच के देखिएगा, उससे पहले और भी आई होगी। तो उसे विधवा पेंशन प्राप्त करने में ये कठिनाई हुई कि वो पैदल साधन उसके 26 किलोमीटर चलकर, 26 किलोमीटर पहुंचकर, केवल इसलिए आई कि हमको विधवा पेंशन मिल जाए। अगर मान लीजिए 1 से 2 बार, 3 से 4 बार वो आई भी होगी, तो कितनी उसको प्रॉब्लम क्रिएट हुएगी। ग्राउंड लेवल पर हकीकत यह है, हम तो मुंह से बोल देते हैं कि विधवा पेंशन मिल जानी चाहिए, विधवाओं को ये मिल जाए। अब दूसरी भी इसका ड्रॉबैक देखिएगा, अब 300 रहे या 500 रुपये रहे, तो बताइए किसी व्यक्ति विशेष को महीने में 300 या 500 रुपया दिया जा रहा है, तो क्या उसके महीने खर्चे पूरे हो सकते हैं, सोच के देखिएगा। तो और भी कठिनाइयां उनके साथ है, तो वही इसका दर्द समझ सकता है जिसकी इसकी आपूर्ति आवश्यकता है ना। तो ध्यान रखिएगा, जल जीवन ऐसी ही कॉन्सेप्ट है, आप और हम शहरों में बैठ के कि एसी रूम में बैठ के इसका आकलन नहीं लगा सकते, ये कॉन्सेप्ट धरातल पर कितना बेहतर तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को कवर कर रहा है और आने वाले चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट करेगा। जो भी लोग मूल रूप से इससे प्रभावित, उनसे जाके पूछने की जरूरत है कि इसका लाभ क्या हो रहा है। क्लियर हो गया। अब जिसमें प्रतिवन उनके कितना, देखिए प्रतिदिन लगभग 6.66 करोड़ घंटों की बचत होती है, और हम लोग कितने घंटे ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, सोच के देखिएगा, 6.66 करोड़, लगभग 6 करोड़ 66 लाख घंटे की बचत होती है। उसको आप गुना भागा कर लीजिए अपने जीवन के बारे में, आपका कितना वर्ष आप केवल जीवित रहते हैं, तो आंकड़े समझ में आ जाएंगे क्या स्थितियां हैं। अब WHO और यूनिसेफ ने साझा कार्यक्रम से सब प्रमुख रिचर्ड जैक्सन के सामने रखा, जो अभी WHO यूनिसेफ के सब प्रमुख हैं, उनके द्वारा। याद रखिएगा, अगर दुनिया को पेयजल और स्वच्छता के संदर्भ में सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करना है, तो यह भारत के बलबूते ही होगा। इसके दो कारण हैं, जनसंख्या और आकार, ये समझिएगा। यह क्यों इतना इम्पोर्टेंट है भारत में इस रिसर्च पर केस स्टडी होना, कि यह इसका सफल परिणाम हमें प्राप्त हो रहा है कि नहीं। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या ये हो गया, और उसका आकार जो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, उसमें यह चीज़ समझने की जरूरत है कि यहाँ पर हम समस्या सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो छोटे छोटे अफ्रीकन देश है वहाँ भी तो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और भी देश विश्व में कंट्री में जहाँ पर जलापूर्ति बेहतर नहीं हो पाती है, तो हम उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो उसके लिए इसी कॉन्सेप्ट को हम लेंगे। ध्यान रखिएगा, यह कॉन्सेप्ट अफ्रीकी देश जैसे देशों में भी केस स्टडी के तौर पर लागू की गई है, तो इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। और मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था ना, भारत की प्रमुखता विश्व में कैसे बढ़ी है, उसका जीता जाता है एग्जाम्पल देखिए। फिर से आपको मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ कि जो बातें मैंने कही थी, आप लोग जो स्टूडेंट, रेगुलर स्टूडेंट है, जो बार बार मेरे न्यूज़ देखते हैं, रेगुलर देखते हैं, वो बताइएगा क्या मैं ये सब बातें पहले बोला हूँ या नहीं बोला हूँ। देखिए, आबादी में भारत दुनिया सबसे आगे हो गया है, इसलिए जो कुछ भारत में होगा वही पूरी दुनिया में अहम होगा। मैंने ये लाइन कभी बोला था, याद है, कि भारत अब विश्व के बहुत से निर्णयों का डिसीजन करेगा, निर्णय निर्धारक होगा, मैंने ये बात बोला था, याद है, उसमें वही होगा जो भारत के संदर्भ में बेटर होगा। अब कोई भी विश्व भारत को नजरअंदाज करके ने नीतियों को लागू नहीं कर सकता, अगर वैश्विक पटल पर लागू करना चाह रहा है, तो हर नियम कानून बनाने से पहले, नीति नीति निर्धारण करने से पहले
वैश्विक नीतियां की बात हो रही है, उसमें भारत को केंद्र बिंदु में रखो। क्या इसमें भारत को बेनिफिट हो रहा है, भारत से अधिक लोग इसमें शामिल हो पा रहे हैं या नहीं, वो आप किसी भी फील्ड में लेके चले जाइए। देखिए फिर से वही लाइन, सेम टू सेम बातें रखी गई है। ऐसा नहीं कि WHO के प्रमुख से मैं मिला हूँ या WHO को जो रिसर्च टीम हो उससे मैं मिल के ये सब बातें आपसे 2 महीना पहले या 3 महीना पहले से बातें पहले बोल दे रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट है, जनरलाइजेशन है कि आने वाले समय में भारत की स्थिति क्या होगी, उसका अनुमान आप पहले लगा लेते हैं। तो यहाँ पर एक बात और भी कही गई है, अगर ठान लिया जाए तो पूरी प्रतिबद्धता के साथ भारत यह भी दिखा दिया कि क्या है कि अगर ठान लिया जाए तो पूरी प्रतिबद्धता के साथ पैसा खर्च करके संकोच ना हो तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इस लाइन को बोला गया है, समझा गया, तो इसका मतलब आपकी दिशा और दशा दोनों ठीक दिशा चल रही है। तो आप लोग बस मेहनत कीजिए, जो चीज़ें बताई जा रही है स्मार्ट वर्क के साथ चीज़ों को कवर कीजिए, लिखने का प्रयास कीजिए, जो भी गाइड किया जा रहा है आप समझिए कि आप सही दिशा में आप बढ़ रहे हैं। और पुराने स्टूडेंट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ें सब मैं पहले बोला हूँ या नहीं बोला हूँ, क्योंकि देखिए होता है क्या ना, आप लोग ही हमारे प्रचारक हैं। आप लोग अगर रिजल्ट लेकर आएंगे ना तो हम प्रचार करेंगे। ऐसे नहीं कि मैं किसी को ना किसी मित्र को ले आऊं और बोलूं कि मेरे चैनल पर आके बोल दो। मेरे पास से DSP एक निकली है ना, आप लोग को याद होगा, केवल मैंने उनका इंटरव्यू लिया है, तो इंटरव्यू लेवल पर ही उनकी बातें की है। मैंने उस पर दावा नहीं कभी किया कि मेरे क्लास में ये पढ़ी है। मैं देखिए मोरालिटी और एथिक्स को केवल पढ़ा नहीं किताब, उसको जीता हूँ अपने लाइफ में। तो आप लोग जब तक सिलेक्शन नहीं लेंगे तब तक मैं ऐड प्रचार कराऊंगा नहीं, नहीं तो 10 लाख 20 लाख खर्चा करके ऐड कराने में मुझे क्या जा रहा है, सोच के देखिएगा। जब तक आप लोग सिलेक्शन नहीं लीजिएगा मैं ऐड नहीं करूंगा कि मेरे यहाँ से इतने स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट निकले हैं, और आप जितने लोग शामिल होंगे उन सभी लोगों का फिर ऐड मैं निकालूंगा, ऐड करवाऊंगा। देखो ग्राउंड लेवल से काम किया जा सकता है तो उसका बेनिफिट भी मिलता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप अभी फ़िलहाल मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और देखिए ये सब चीज़ों में संकोच नहीं करना चाहिए, अगर कोई मिशन पर लगा हुआ है तो आप उसके एकमात्र अंश भी भागीदार बन पा रहे हैं, तो देखिए आने वाला जनरेशन सुधर सकता है। क्योंकि तो जो मीडिया में जो चलता है, जो एजुकेट सिस्टम में चलता है, माफियाओं लोग का राज, वो कहीं ना कहीं ब्रेक होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करेंगे हम, चलिए आगे नीचे आ जाइए, ऊपर कोई काम का नहीं है, बहुत सा पॉलिटिकल है, ऐसे ही न्यूज़ है जो आपके एग्जाम ओरिएंट नहीं है। देखिए फिर केरल में ठहर सा गया मानसून, अभी हाल ही में आप लोगों को प्रिंस सर के द्वारा DCA क्लास में डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आप लोगों को एक टॉपिक कवर कराया गया होगा, अरब सागर में साइक्लोन आया आया है ना, जिसे विश्वजेयर कहा गया है, बांग्लादेश द्वारा नामित जो है, आपको इधर से आ रहा है यहाँ पर सर्किल बना हुआ, फिर यह इधर से रिटर्न होगा, ये सब बातें की गई है। तो वही अरब सागर में भी बना रहा है स्थिति, जो कारण क्या है कि आपको मानसून सही समय पर नहीं आ रहा। ध्यान रखिएगा मानसून पूर्वानुमान एक टॉपिक है जो आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिएगा यह UPSC के GS पेपर 3rd में पूछेगा मानसून से संबंधित मुद्दे, और BPSC वाले में क्या पूछेगा, BPSC वाले पेपर 2 में पूछेगा, ज्योग्राफी से पार्ट से पूछेगा, कृषि को भी जोड़ देगा मानसून से संबंधित समस्याओं ने कृषि को और भी क्या कहते हैं, और भी क्या कहेगा, कठिन बना दिया। इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, जिससे ध्यान रखिएगा अगर सागर में सक्रिय चक्रवात असर नहीं डालता है तो क्या होगा, बिहार और झारखंड बंगाल समेत पूर्वोत्तर भारत अधिकांश हिस्सों में मानसून की बारिश हो रही होती, अगर अरब सागर में चक्रवात जो है, जो पगला चक्रवात कभी कभी आ जाता है, सही समय पर नहीं आता है, बाद में आता है, 2-3 महीने बाद आता है, क्या दिक्कत है, इतने गर्मी में लोग जल रहे हैं मर रहे हैं, थोड़ा सा बच जाते हैं, और उसके कारणदाता हम लोग भी हैं, मानव व्यक्ति भी है, पेड़ सभी लोग काट रहे हैं, जलवायु परिवर्तन का असर तो होंगे ही ना। तो कोई बात नहीं, इसको झेलिए, सभी लोग मिलकर पेड़ नहीं लगाइए, लगाइएगा तो बचिएगा, सभी लोग अगर अपने जीवन जीवन पर जीवन जन्मदिवस पर अर्थात बर्थडे पर केक काटने के बजाय एक पेड़ का पौधा रोपे, वो ज़्यादा अस्थायी और चीर होगा। जो केक काट के आप लोग अपने मुंह में लगा लिया करते हैं ना, उससे बचा कीजिए। ये सब देखिए स्टैंड लाइफ नहीं है, वो दिखावे के लाइफ है। देखिए मरने के बाद 3 ही स्थिति, 3 ही गत है, सच सत्य समझ लीजिए आज, उसके बाद हम लोग आगे करते हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष की मौत होती है, उस किसी भी धर्म में हो, किसी भी रिलीजन में हो,
किसी का अनुसरण कर उसको। अगर तीन ही गति होता है मरने के बाद, या तो उसको जला दिया जाता है, या दफना दिया जाता है, या फिर खुले में छोड़ के चील कौओं को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह यूरोपियन कंट्री में कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर अपने जो लोगों की मृत्यु हो जाती है उसे गिद्धों के झुंड में खिलाया जाता है। वहाँ पर यह माना जाता है कि एक अंश मात्र जो आपके शरीर का ना, वो भी प्रकृति के लिए है, तो प्रकृति के लिए समर्पित कर देना चाहिए। दफनाने का कॉन्सेप्ट यह बताता है कि हम मिट्टी से जो सृजित हुए हैं, मिट्टी में ही दफन हो जाना है। जलाने का अर्थ यह कॉन्सेप्ट बताता है कि हम प्रकृति के अंश हैं, जिसमें हम पांच तत्वों से निर्मित हुए, और जलने के बाद हम उन पांच तत्वों में विलुप्त होते हैं, इसलिए जलाना हमें जरूरी हो जाता है। तो मौत यही है, सच्चाई जीवन का यही है। तो उससे पहले जितना आप लोग जो भी लोग लग्जरियस जीवन जीने के लिए जो चीज़ें करते हैं, एन केन प्राकृत, वो इसी अंत के साथ समाप्त हो जाता है। इस सत्य को जिस दिन जान जाइएगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप आ जाएगी, आप समाज के प्रति, लोगों के प्रति, समझ गए ना। तो बर्थडे के दिन क्या करना आप लोग को, कम से कम एक पेड़ जरूर लगाइए, दो पेड़ लगाइए, टारगेट लगाइए, अपनी क्षमता के अनुसार लगाइए, जम कर लगाइए, ठीक ना, ताकि इस सब परिवारों में बचा जा सके। अब देखिए, जो मौसम विभाग है उसने दो तरह की चेतावनी दी, क्या दी है, लू को लेकर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम में सतर्क जारी की, तो वहीं दूसरी तरफ अरब सागर में चक्रवात को लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में केरल के मछुआरों के लिए क्या बोला है कि वहां पर पानी मिला जाए। तो एक ही समय में दो आपको की, एक तरफ क्या बोल रहा है भाई साहब लोग कि तुम लोग लू चलेगा, घर में घुसे रहो, एक तरफ बोल रहा है कि देखो इन क्षेत्रों में बाढ़ आएगी, चक्रवात आएगा, तो बाढ़, समुद्री बाढ़ जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्य भाषा में, पर्यावरण पर तेज हवाएं चलेगी, तो आप लोग भी घर में घुसे रहो। तो अर्थात कहने का अर्थ है कि आप उत्तर वाले भी लोग घर में रहो, कि लू चलेगा तो लू मार देगा, तो अच्छे से रहना, और तुम इस क्षेत्र के जो पश्चिमी तट के लोग हैं वो भी घर में रहो, नहीं पानी आएगी, हवा आएगी, तुमको भी घर में घुसे रहना है। तो दोनों स्तर एक ही समय में आएगा ना, तो समझिए ये जलवायु परिवर्तन का प्रभाव देखने को मिल रहा है। और मौसम पूर्वानुमान यह भी बताता है कि हम यह जलवायु परिवर्तन के कारण सब चीज़ों को झेल रहे हैं। तो चलिए, इसके तहत याद रखिएगा, की नोट्स में आपको मैं ऐड कर दूंगा सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको कवर कर देता हूँ। भारत में विभिन्न प्रकार के जलवायु जोन है या उप जोन है, मुख्य जोन हम लोग कहते हैं, जिसमें 36 कृषि जलवायु जोन है और 127 उप जोन है। 36 कृषि जलवायु जोन कहा जाता है भारत को पूरा टोटल में। तो चलिए क्वेश्चन बताइएगा, बिहार वाले बताइएगा आपका जलवायु कृषि जोन कितना है, झारखंड वाले बताइएगा अपना, यूपी वाले अपने बताइएगा, एमपी वाला अपना बताइएगा, और भी स्टेट वाले जो जो लोग हैं अपना बताइएगा, कृषि आपके राज्य का कृषि जलवायु जोन कितना है, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे, भारतीय मानसून विभाग के द्वारा अप्रैल से मध्य के बीच क्या किया जाता है, दीर्घावधि पूर्वानुमान किया जाता है। उपरांत उसके बाद क्या किया जाता है, अप्रैल मई में दीर्घावधि पूर्वानुमान, अर्थात पूरे जो दीर्घ अवधि है उसमें कितना मौसम की क्या स्थिति रहेगी। मध्यम अवधि, देखिए यह क्या होता है, इसको नीचे में लिख दिया हूँ। लघु अवधि अर्थात 24 घंटे की स्थिति को पूर्वानुमान कहते हैं। मध्यम अवधि 1 से 7 दिन का, अर्थात एक साप्ताहिक होता है। दीर्घावधि 7 दिन से लेकर 6 माह की अवधि को बोला जाता है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा पहले। तो यहाँ पर क्या हुआ, दीर्घावधि बोला जा रहा है, तो इसका मतलब 7 से अधिक दिन जो होगा, 6 महीना तक का। उपरांत मध्यम अर्थात 1 सप्ताह का, लघु अर्थात 24 घंटे का पूर्वना करती है पूर्वानुमान। क्लियर। तो आपसे कभी प्रश्न पूछे तो कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त नोट याद रखना है, हाल ही में कुछ जो नाउकास्ट माध्यम से मौसम विभाग कुछ घंटों पहले मौसम की भविष्यवाणी करना आरंभ किया है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ऐप है, इसको समझने का प्रयास, कैसे होता है पूर्वानुमान, मौसम पूर्वानुमान। तो सर्वप्रथम याद रखिए, तापमान, वायु दाब, वायु आर्द्रता आदि आंकड़ों के संग्रहण से यह प्राप्त किया जाए। उसके बाद किया जाता है, ग्राउंड लेवल पर चीज़ें भेजी जाती है, विभिन्न स्टेशनों से प्राप्त किया जाता है सूचनाएँ। उसके बाद समुद्री आधारित स्टेशन, जो सी में स्टेशन हम लोग स्थापित किए हैं, तो उससे हम लोग आंकड़े एकत्रित करते हैं। वायुमंडल आधारित स्टेशन है, जो हम लोग सेटेलाइट भेजे अंतरिक्ष स्टेशन पर, उससे हम लोग प्राप्त करते हैं आंकड़े। उसके बाद पूर्वानुमान करते हैं, इनसेट 2 का नाम सुने होंगे, पूरा इनसेट 2, उसकी आंकड़ों को हम लोग लेते हैं। उसके बाद आंकड़े पूर्वानुमान विज्ञानिक विभाग के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, मानसून मिशन मॉडल क्या है, ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम यह मौसम विभाग के द्वारा वर्ष 2017 में यह लागू किया गया था, जहां पर मौसमी पूर्वानुमान के लिए मानसून मिशन मॉडल उपयोग किया गया था।
यह कॉन्सेप्ट जो लाया गया था उसको किया गया था। उसके बाद 2012 में पृथ्वी ज्ञान दिवस जो मंत्रालय है, 2012 में राष्ट्रीय मानसून मिशन लॉन्च किया था। तो जिसके जिसका उद्देश्य था क्या, विभिन्न समयावधियों के लिए मानसूनी वर्षा के पूर्वानुमान प्रणाली को विकसित करना है। जो विभिन्न समयावधि जो अल्प है, मध्य है और दीर्घ है ना समयावधि, उसमें मानसूनी वर्षा की स्थिति क्या है उसका पूर्वानुमान के लिए एक पद्धति राष्ट्रीय मानसून मिशन लॉन्च किया गया था। कब, 2012 में। और 2017 में इसी मिशन मोड के तहत क्या किया गया, मानसून मिशन मॉडल के तहत मानसून पूर्वानुमान का कॉन्सेप्ट लाया गया। क्लियर हो गया? अब याद रखिएगा इसके तहत बहुत सी चीजें दी गई हैं, क्या नहीं करना चाहिए की नोट्स में देख लीजिए, उपयोगी उन सब चीजों को कवर कर लेना है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। युगल ने किस कर ली शादी तो दुष्कर्म का केस चलाना उचित नहीं, केस स्टडी के तौर पर इसे देखिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल सेट किया है जहां पर चीजें स्पष्ट कराई गई। क्या कि मान लीजिए होता क्या है कि बहुत से ऐसे मामले आपको समाज में देखने को मिलते हैं कि एक लड़का है, बॉय है और एक गर्ल है। तो अगर लड़की या लड़का दोनों आपसी सहमति से शादी करते हैं तो उसका परिवार वाला क्या करता है, लड़का पर अपहरण का केस करता है। ठीक है, और लड़की को नाबालिग बताने का प्रयास करता है ताकि उस पर अधिक से अधिक केस दर्ज किया जाए। इसमें पुलिस की भागीदारी भी देखने को मिलती है बहुत से जगहों पर, ऐसा नहीं कि सभी जगह मिलता, पर मिलता तो है ना कहीं। अगर 100 100 जगह हैं, 100 100 ऐसे केस आए जिसमें से आपको 80 में 70% या 80 केसों में जिस इस प्रकार के आपको धाराएं लगाई गई तो शंकाएं तो उठेगी ही ना। तो इसमें क्या होता है, जब वो फिर सामने जब आ जाते हैं प्रशासन, जब धर पकड़ शुरू होती है तो जब आते हैं तो पता चलता है लड़की क्या है, नाबालिग नहीं है, बालिक है और वो मर्जी से शादी कर रही है। तो इस जो बच्चे पर बलात्कार का मामला लगाया गया, अपहरण का मामला लगाया गया, फिर क्या है अपहरण के साथ साथ बहुत से और विधायक लगा दिया जाता है, तो इससे क्या होता है केस की वस्तुनिष्ठा समाप्त हो जाती है। और होता क्या कि यह बच्चा जो लड़का है वो प्रताड़ित होता है समाज से, लोगों से। अब महिलाओं को क्या होता है, सामाजिक संरक्षा प्राप्त हो जाता है। अभी मैं आगे दूंगा, बताऊंगा, कवर करूंगा कुछ दिन। कल ही मैंने परसों ही न्यूज़ कवर किया है ना, जिसमें एक महिला जो मुस्लिम महिला था अपने बच्चों से पेंटिंग कराती है नग्न अवस्थ होकर, तो उस पर सुप्रीम हाई कोर्ट के द्वारा कुछ बातें की गई थी। तो हम समझाएंगे कि सामाजिक तौर पर कैसे लोगों का विचार किसी खास वर्ग पर थोड़ा सा बेहतर रहता है, किसी के लिए एक तरफा नजरिए से देखता नहीं, गलत वही होगा। मान लीजिए किसी पारिवारिक जीवन में किसी हस्बैंड और किसी वाइफ में लड़ाई होता है तो हमेशा हस्बैंड की ही गलती मानी जाती है या समझी जाती है। क्यों ना महिला उस हस्बैंड का लातम जुत्तम कर रही हो, उसके साथ मारपीट कर रही होगी, क्यों नहीं। या ऐसे बहुत से मामले होंगे जहां पर ऐसे आपको केस स्टडी देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर ऐसे बहुत से मामले जहाँ पर महिला प्रताड़ित है, पुरुष को वहां पर सपोर्ट प्राप्त हो जाता है। तो दोनों तराजू हम लोग को देखने की जरूरत होगी ना, तो वो कैसे हम लोग देखेंगे समझेंगे, इसी के लिए केस स्टडी लाया गया जहां पर बातें की गई है ना कि 2016 में एक मामला आया था जिसमें क्या वो 25 सितंबर 2016 को आरोप पत्र उस मामले में दाखिल हुआ। सत्र न्यायालय जो था 17 में क्या करता, संज्ञान लेता, समन जारी कर देता। हाजिर होने के पर याचिक खिलाफ क्या था, गैर प्राथमिक आपको वारंट, जमानती वारंट जारी कर दिया जाता है। ध्यान रखिए उसको नॉन वेरेबल वारंट जारी हो तो उसको मजबूरी आना, नहीं तो फिर घर को उठती जाती होता, बहुत सी चीजें की जाती। तो आता है तो मामला जब न्यायालय में वहां पर सामने सुना जाता है तो जस्ट 360 डिग्री अपोजिट घूम जाता है। पहले कुछ और था, अब जस्ट मान लीजिए इस दिशा में केस था तो सुनने के बाद इस दिशा में केस हो गया। तो यहाँ पर भागीदारी लोगों की समझ में आई कि नहीं, सिस्टम के साथ कैसे खेल किया जाता है, पुलिस प्रशासन कैसे इस पर काम कर रही है। तो न्याय पीड़िता की रजामंदी के बाद शादी किया कहा गया याचिका के द्वारा कि जो भी व्यक्ति से मैं शादी किया उनकी आपको क्या रजामंदी है। और उस पीड़िता ने भी बयान दिया कि हमने स्वीकार किया। पीड़िता की उम्र 18 साल से अधिक थी, दोनों खुशहाल है। इसके लिए कोर्ट ने कहा कि आप जो भी चीजें लगा रहे, अगर अपनी इच्छा से याची ने शादी की या दोनों के बीच आपसी समझौता है तो निचली अदालतों की इनकी पुष्टि कर दी है कि प्राथमिकता रद्द की जाने योग्य है। तो यहाँ पर देखिए शुरू में क्या हुआ था, मामला क्या दर्ज किया गया था, देखिए कहानी देख लिए।
जब इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या के एक मामले में जोड़े में आपसी सहमति शादी कर ली तो दुष्कर्म के केस चलाना उचित नहीं है। देखें कहानी निकली क्या कि 18 वर्ष की लड़की है, बालिग है, और वो राजी से शादी की है दोनों ही। अब है कि मेल पर क्या किया गया, सीधे उसके परिवार वाले पुलिस प्रशासन से मिलकर धाराएं लगाए, जिसमें दुष्कर्म सबसे इम्पोर्टेंट है, बलात्कार का मामला सबसे इम्पोर्टेंट है। और आपको पता है इस बलात्कार का मामला 10 साल से लेकर उम्र कैद की सजा होती है, किसी में आपको ऐसे विभत्स मामले हो तो क्या होता है, मृत्यु दंड भी तक दिया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि केस स्टडी आपको बताता है कि आप जब प्रशासक बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, एसपी बनेंगे, तो दायित्व तो क्या पर आता है, ठीक है ना। नहीं तो एसी रूम में बैठ कर आप लोग भी फैसला दीजिएगा, टेबल के नीचे से पैसे लीजिएगा, ये कानून लगाओ धारा। अब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक इसे आप लोग कवर कर लेंगे, आज बहुत डाटा इसमें दिया गया, जो भी हड़प्पा कालीन जनजीवन राखी गढ़ी है उसके संदर्भ में बहुत डाटा दिया गया। इससे ज़्यादा आपको राखी गढ़ी के संदर्भ में जानकारी नहीं रखनी है, नहीं अधिक नहीं रखा, अभी हो आएगी तो रखनी ही होगी ना, पर फिलहाल आपकी इतनी जानकारी हो जाती तो राखी गढ़ी हड़प्पा कालीन संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आपको प्रश्न में शामिल हो जाएगा, ठीक है ना। यह यूपीएससी के पेपर 1 सिंधु घाटी सभ्यता ऐतिहासिक साक्ष्य संस्कृति से यह टॉपिक कवर करेगा। अब पीटी वाले को पता ही है, हिस्ट्री आपको प्रथम पेपर है, बीपीएससी वाले को, बीपीएससी वाले एग्जाम में पेपर 1 में, तो यह पेपर 1 में कवर करेगा, ठीक है। राखी गाड़ी से नवीनतम कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए, आप इसे देख लीजिएगा, की पॉइंट बना लीजिएगा इस पर, जो बातें लिखी गई वही को क्या समझाना, बस ध्यान यह रखना है कि राखी गढ़ी को एक बात इसके संदर्भ में बोली गई है। क्या बात बोली गई है, जो एक सेकेंड कहाँ गए, हाँ देखिए यहाँ पे एक बात बोली गई है कि इसके जो अभी जो जिनके अंडर में काम हो रहा है, डॉक्टर सूरज भान ने कहा है कि शायद इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर राखी गढ़ को हड़प्पा कालीन सभ्यता का प्रांतीय राजधानी का मान्यता दिया गया, क्योंकि वो जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं रहन सहन, व्यापार, जीवन शैली से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, हम सड़क प्रबंधन कैसे कर रहे थे, नाली का प्रबंधन कैसे कर रहे थे, वर्गीकरण कैसे था इसमें समाज का, उसकी जो बात की जाए, तो ये कहाँ पाई गई थी आपको, आपको मोहनजोदड़ो हड़प्पा में। तो जैसे वो मुख्य रूप से राजधानियाँ हुआ करती थी पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का, वैसे ही प्रांतीय राजधानी राखी गढ़ी को दर्जा प्राप्त था, तो इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर किया गया। देख लीजिए सारी चीज़ें यहाँ दिया गया, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर बात है कि कठिन हालत में बेहतरी की उम्मीद है, आरबीआई ने नीतिगत फैसले लिए हैं जिसमें केंद्रीय बैंक में नीतिगत ब्याज दरों में 6.5% पर कायम रखने का फैसला किया है। इसमें ईएमआई जो घटने की उम्मीद है फिलहाल भले ही टूट गई हो, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में लोगों के लिए यह बहुत बड़ी राहत रही होगी, क्योंकि मासिक किस्तें अभी भी नहीं बढ़ने वाली है, अर्थात हम ज़्यादा पे नहीं करेंगे, तो जितना रुपया हमारे पास बचा रहेगा उतना हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। 100 रुपया में मान लीजिए ब्याज पर हम 20 रुपया दे रहे हैं, तो बढ़ता तो ये 40 रुपया होता, तो हम क्या करते, 20 रुपया अतिरिक्त अपने जेब से दे रहे थे, तो ये 40 रुपया 20 रुपया बचेगा तो हम इन्वेस्ट करेंगे, तो इन्वेस्ट करें तो फिर वही सर्किल याद रखिए जो मैं पहले आपको बताया था, याद हो गया कौन सर्किल, तो आप लोग बताइए किस सर्किल की मैं बात कर रहा हूँ, कितने लोगों को याद है, नहीं होगा तो फिर कभी आएगा मैं समझा दूंगा, पर अभी आप लोग बताइएगा ये सर्किल बना के मुझे रोटेशन बताए किस संदर्भ में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सर्किल स्टार्ट हो जाएगा, इसमें सभी चीज़ें जो मैंने बताया था वो फिर से पुनः प्राप्त हो जाएंगी, तो ब्याज दरों में ना बढ़ना भी इकोनॉमी के लिए क्या सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि वो सकारात्मक रूप से करेगा। महंगाई को लेकर जोखिम अभी भी बने हुए, फिर भी रिजर्व बैंक भली भांति वाकिफ है, अनदेखा नहीं किया, ऐसा बातें की गई हैं। और ध्यान रखिएगा वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू यानी जीडीपी आंकड़ों की उम्मीद कहीं बेहतर तस्वीर हो रही है, जीडीपी वृद्धि 7.2 दिखाई गई है। ये सब बातें पहले भी हम लोग किए हुए हैं विभिन्न तरीकों से, जैसे विभिन्न रिपोर्ट, मार्गन का रिपोर्ट आया था वहाँ चर्चा किए हुए थे, सभी चीज़ों पर हम लोग कवर किए थे। और हाँ एक और न्यूज़ है, दैनिक जागरण जो न्यूज एंसर राइटिंग का जो नेक्स्ट क्लास नहीं हो पाया था टेक्निकल फॉल्ट के कारण, कल हम लोग संडे को रखेंगे, टाइम मैं आपको शेड्यूल भेज दूंगा, उसका लिंक आपको क्रिएट करके तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा कल, उस पर हम लोग एनालिसिस कर लेंगे, ताकि मंडे वाला जो होगा नेक्स्ट हम लोग उसको कवर कर ले, नहीं तो होता है क्या फिर मामले फंस जाते हैं टाइम टेबल को लेकर, ठीक है ना।
तो यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए उसको अच्छे से देख लीजिए, और इस पर पहले भी मैं चर्चा किया हूँ। जो आपको मॉर्गन का रिपोर्ट आया था, IMF का रिपोर्ट आया था, WTO का रिपोर्ट एक आया था, उस पर भी बात किए थे, ध्यान रखिए। नहीं, WTO ने, सॉरी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी, उस पर मैंने बात किया था। तो ध्यान रखिए, इन सभी आंकड़ों को एक बार रिवाइज करके देख लीजिए। वही बातें सेम टू सेम जो दिशा और दशा वो बताया गया था उन सभी आंकड़ों में, यही बात की गई है, ठीक ना। आपको PMI का अद्यतन आंकड़ा जो है 60%, जो मैं बताया था आप लोगों को, याद होगा सेवा क्षेत्र में PMI 60% में से 58 का रहा, जिसमें से PMI 50 से ऊपर होना बहुत अच्छा है। तो विश्व भर में बड़ी अर्थव्यवस्था सबसे तेज वृद्धि का दर्ज होने का कारण PMI पैमाना भी है। तो आप लोग बताइएगा PMI पैमाना क्या है, कितने लोगों को याद है, मैं देखूँ ये क्या कहा जाता है, इसको क्यों कहा जाता है, किस लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसे थोड़ा सा बताइएगा। चलिए, आप लोगों का आज सारी जो संकीर्ण मानसिकता आज समाप्त होने वाला है। संकीर्ण मानसिकता कहने का मतलब विचारों में मौलिक परिवर्तन कैसे होता है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अब कोई एक घटना देखिएगा, घटना घटा है, उसमें मेल है, या कोई घटना वही सेम टू सेम घटना घटा है, A+1 घटना, इसको मान लीजिए एक फीमेल है, और समाज यहाँ, तो इसका नजरिया दोनों में परिवर्तन देखने को मिलता है। उसके प्रति रहमदिली की भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, मेल के प्रति कम, महिला के प्रति ज़्यादा। जब महिला के संदर्भ में बातें की जाती है तो उसको थोड़ा रिबेट दे दिया जाता है, पर पुरुष के मामले में रिबेट नहीं दिया जाता समाज को, ऐसा क्यों है, तो उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजिकल संदर्भ में, समझने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग एथिक्स पढ़ते हैं ना, पेपर 4, तो वहाँ यह काम देगा। और ध्यान रखिएगा, यह पढ़ लेने से आपके लेखन क्षमता में वृद्धि होगी, वैचारिक मौलिकता बढ़ेगी, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको प्रयास शुरू करते हैं हम लोग। ध्यान रखिए इसमें क्या क्या बातें की गई है। बातें ये की गई है कि नैतिकता पर दोहरे मापदंड कैसे अपनाए गए, इसके लिए कार्य किया जा रहा है। देखिए, एक फैसला हाल ही में दो आया था, दो फैसला, जिसमें एक माँ वाला कॉन्सेप्ट था, और एक महिला जस्टिस, जो जुवाइल जुवाइल ने को जस्टिस एक्ट के तहत केरल कोर्ट ने क्या कहा था कि महिला सभी आरोपों को मुक्त कर दिया, क्योंकि नग्नता का मतलब हमेशा अश्लीलता नहीं होता, नैतिकता का कानून, दो अलग अलग बातें हैं। बातें की गई थी, आप लोगों को कवर किया था। कोई किसी भी बात को नैतिकता मानता है, कई बार कानून उसे अपराध मान लेता है, ऐसी बातें की गई। मीडिया के बहसों में यह बात सामने आई है कि यदि पुरुष अपने शरीर पर 6 पैक्स एब मसल्स दिखा सकता है, तो कहीं भी टैटू गुदवा सकता है, तो आखिर महिलाएं अपने शरीर पर पेंट क्यों नहीं करा सकती, ये बात सही प्रश्न किया गया है। वहीं उन्हें यह भी चुनने का अधिकार होना चाहिए कि वे अपने शरीर पर कितना ढकना चाहती है, कितना नहीं, ओढ़ना चाहती है, खुला रखना चाहती है। पर हम यहाँ पर बात क्या करते हैं कि सामाजिक दायित्व की बात कर लेते हैं। दूसरे फैसले में क्या बोला गया था कि यह मुंबई में एक कंपनी थी, जो काम करने वाले दो कर्मचारी कोर्ट में इसलिए जमानत देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने अपने साथ महिलाओं के साथ जो है उसका फिगर अच्छा है, उसके लिए काफ़ी मेंटेन करता है, रखा हुआ है। तो अदालत ने इस प्रकार के टिप्पणी को यौन उत्पीड़न का मामला माना, अर्थात एक मामले में वो खुला है, अर्धनग्न है, तो अदालत क्या बोल रही, यह स्वतंत्रता है, वैचारिक स्वतंत्रता का। उसी मामले, उसी सेम टू सेम मामले में अगर कोई व्यक्ति पुरुष महिला की इस प्रकार से टिप्पणी कर रहा, जहाँ पर उसके बॉडी लैंग्वेज को लेकर हो रही, बॉडी शरीर से संबंधित बातें, जहाँ पर फिगर अच्छा है की बात किया जा रहा है, वहाँ पर न्यायालय उसको जमानत तक नहीं दिया, ऐसा दोहरा मापदंड क्यों। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसके लिए बात की गई है कि वहीं ज्ञान दिया जा रहा है कि नग्नता अश्लीलता नहीं है, तो वहीं किसी के लिए अश्लील लग रहा है, दोनों मामले सेम है। तो अश्लीलता का मतलब दोनों संदर्भ में मैंने बताया था उस दिन ना कि अश्लीलता नैतिकता से जुड़ा हुआ है, कि कोई व्यक्ति किसी मामले, जब माँ दूध का सेवन करवाती है अपने बच्चों को, तो हम नैतिकता आधार पर उसे कभी गलत नहीं समझते हैं, वही सेम टू सेम यहाँ समझने वाली बात है। पर वही जब हम इस प्रकार की घटनाएं देखते हैं, तो यहाँ पर अश्लील घटनाओं के संदर्भ में हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। इस तरह क्या होता है कि इस तरह समाज में दोहरे मापदंड क्रिएट होते हैं, यहाँ पर चीज़ें की जाए। अब देखिए, यहाँ पर बात है कि ऐसा कोर्ट ने क्यों अपराध नहीं मानता है, सारे अपराध की जड़ सिर्फ पुरुष ही के ही कहने में है, कंधे पर है, कहने का अर्थ है।
महिलाओं की अर्जी की तानाशाही हर एक पुरुष के सिर पर बिना अपराध के क्यों ला दी गई है? आखिर कौन सी महिला है जो यह सुनना चाहे कि वह मोटी है, अनानाशक है, सुंदर या सेक्सी नहीं है? तो क्या यह पुरुषों पर डाल देना चाहिए कि वो इस प्रकार से टीका टिप्पणी किया है, और वो अपने अपने संदर्भ में अपने फीमेल दोस्तों के साथ हो तो ये टीका टिप्पणी स्वयं में करे तो वो उचित लगेगा उसको, पर कोई पुरुष करता है तो इसका अर्थ है उसे केवल क्या कहते हैं आपको अश्लील शब्दों में जोड़ दिया जाता है। तो ऐसे दोहरे मापदंड से कैसे बचा जाए, ऐसी बात की गई है। जो हम शब्द सार्वजनिक जीवन में बोलने से भी कतराते, आज फिल्मों में, धारावाहिकों में, इंटरनेट मीडिया पर खुलने से बिके। जैसे गालियां होती है ना, मदर को लगा के, सिस्टर को लगा के, ये सब गालियां होती हैं, वो हम खुले तौर पर फिल्मों में, धारावाहिकों में, इंटरनेट में देख रहे हैं, पर हम सामाजिक जीवन में इसे नहीं पसंद करते हैं, पर हम ही लोग बैठ के आपको इन टीवी पर देखना पसंद करते हैं। तो ये दोहरी मापदंड कैसे हम लोग अपनाते हैं? अब वे बुरे नहीं लगते हैं या ऐसे इन शब्दों के प्रयोग में किसी अपराधी मान लेना भी जायज नहीं मानते हैं? तो ऐसी दोहरी मापदंडता क्या होता है कि दोहरे समाज का निर्माण कर देता है। अगर गलत हमारे सामाजिक जीवन में गालियां हैं तो फिल्मों में भी गलत है ना। तो बहुत से गालियां आप सुनते होंगे, अब तो ऐसे ऐसे वेब सीरीज आ गए जो खुली नग्नता के साथ इन सब चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। इन सब को समझने की जरूरत है। क्या अदालतों में विवाह का बाजार नहीं पता, जहाँ 100 में से 100 बराबर सुंदर और कमियां स्त्रियों ही चाहिए, जहाँ पर कमियां स्त्रियां था जो फिगर की अच्छी लड़कियां हैं उनको ही चाहिए? कोई ऐसा परिवार है शादी से पहले इस मापदंड को नहीं अपनाता है? सांवली मोटी हरगिज नहीं चाहिए उन्हें? तो यदि लड़का और उसके परिवार के लोग लड़की लड़की को देखने आए तो ऐसा ही कुछ कह दिया जाए तो क्या उन्हें सेक्सुअल हरासमेंट के दोषी माना जाएगा? अब मान लीजिए बोल दिया जाएगा कि हम मान लीजिए ये कोई व्यक्ति गया किसी गर्ल को देखने, वो परिवार उसका बोल दिया आपकी लड़की पसंद है, सांवली है, या फिगर आपकी लड़की का सही नहीं, ऐसा बोल दिया, पर उसका इंटेंशन ऐसा नहीं कि सेक्सुअल हरासमेंट की बात हो। अब क्या वो परिवार, लड़की का परिवार या लड़की उस पर हरासमेंट का केस लगाए तो न्यायालय क्या करेगा? तो ये दोहरे मापदंड हो जाते हैं समाज में। तो हमें ये एक स्टैंड लेकर चलना होगा, नहीं तो चीज़ें अस्पष्ट हो जाए। नैतिकता और कानून दो अलग अलग चीज़ें हैं। नैतिकता पर समझने की जरूरत है, कानून का मामले समझने की जरूरत है किसी मामले को, ठीक है? बात करें कानून के विरुद्ध है, जो बात कानून के विरुद्ध है लेकिन नैतिकता मानी जाती है, उसे समाज में तमाम क्रियाकलाप के चलन में रहना चाहिए या नहीं? यदि यह एक जगह सही है तो वही दूसरी जगह यानी कानून में क्यों गलत माना जाएगा? इससे तो समाज में ताना बाना ही तहस नहस हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा था कि इससे क्या होगा कि स्थितियां बिगड़ जाएगी, इससे तो समाज का ताना भी तहस नहस हो जाएगी। मान लीजिए किसी किसी बात में अपनी नैतिकता के अनुसार ठीक मानता है पर उसी तरह का आचरण करता है तो लेकिन कानून उसे सही नहीं मानता, तो कानून से सजा भी कैसे दे सकता है जो विरोधाभासी बातें करता है? मैं क्या कह रहा था, अभी कह रहा था ही ना कि एक स्टैंड लेने की जरूरत है। चीजें एक ही मैटर पर दो रवैया कैसे अपना सकता है न्यायालय? तो यह कहीं ना कहीं आपकी नैतिकता बन जाती है, किसी मामले को कैसे देखना है, कैसे समझना है, सामने वाले के साथ कैसे प्रोड्यूस करना है। और न्यायालय को समझना चाहिए कि केवल कानूनी बाध्यता ही नहीं डिसाइड कर सकती है कि सामाजिक दायित्व क्या है, नैतिकता क्या है। क्लियर? तो इसे समझने का प्रयास कीजिएगा, फिर देखिए कल हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से चीज़ों को कवर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, बाय।